कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक ग्राह। मैं ऋतिक केसरवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हुआ आप सभी के बीच रेखा ग्राफ की एक वीडियो लेकर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यूपी सीबीएसई पेट एग्जाम में हमारा 20 नंबर का ग्राफ का चैप्टर आ रहा है, तो उसमें जितने भी ग्राफ से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूँ। जैसा कि मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा ही चुके होंगे हर टाइप के, लेकिन मैं और भी प्रैक्टिस के नाम पर सारे क्वेश्चनों को लेके आता हूँ। तो जैसा कि आज मैं रेखा ग्राफ की एक बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट को लेके आया हूँ, और आज मैं वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि उसको कम समय में आप कैसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए बगैर समय को खराब करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, जैसा कि आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, निम्न रेखा ग्राफ का अध्ययन करें और उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। और अगर इस रेखा ग्राफ को देखिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता है उसका जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ बात किसकी की जा रही, दो कंपनियों की बात की जा रही है, दो कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या। ये जो भी यहाँ पे डिजिट है ये हमारी किसमें आएगी, सब हजारों में है। किसमें है, सब हजारों में है। अरे देखिए, रेखा ग्राफ का नीचे सिंबल दिया रहता है कि जो भी वो ऐसे जिगजैग वाला ग्राफ बना रहता है उसमें कौन किसका सिंबल है। जैसा आप देख सकते हैं, जो ऐसा वाला होगा ये हमारा किसका है, एक्स का है, और जो स्क्वायर शेप में है वो किसका है, Y का है। मतलब कि ये किसका है, X का है, और ये किसका है, Y का है। अब इसी से रिलेटेड वो चार पांच क्वेश्चन पूछेगा, हमें उसी चार पांच क्वेश्चनों का आंसर बड़ी सावधानी के साथ देना कि कहीं हमारा गलत ना हो जाए, क्योंकि इससे हमारे 10 मार्क्स पक्के हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कंपनी वाई द्वारा 2000 और 2001 में निर्मित वाहनों की संख्या में क्या अंतर था। कंपनी जो ये हमारी वाई है, इसके सन 2000 में और 2001 में निर्मित वाहनों की संख्या में क्या अंतर है। क्या पूछ रहा है, सन 2000 की तुलना में 2001 में जो बना उन दोनों का अंतर पूछा। जितना 2000 में बना है, जितना 2001 में बना है, उसी का हमें क्या बताना, केवल अंतर बताना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सन 2000 में कितना बनाई है कंपनी, 128,000, और सन 2001 में कितना बनाई है, 107,000। देखिए, यहाँ हजार में लिखने के लिए हम तीन जीरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि तीन जीरो दोनों साइड लगा देंगे तो कुछ छात्रों की कैलकुलेशन कमजोर होती है और वे इसे जोड़ने घटाने में काफी समय खराब कर देंगे। तो आप फिलहाल ऐसे इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आए उसमें आप तीन जीरो लगा के उसको हजार के उसमें बना दीजिए। जैसा कि इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर 21 आएगा, जबकि इसमें आंसर हमारा सब किसमें दिया है, हजार में दिया है, तो यहाँ भी हम तीन जीरो बढ़ा देंगे। ये तो हमें पता ही है कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो हजार में ही आएगा, तो इसलिए आप ऐसे सिंपल तरीके से सॉल्व करिएगा ताकि आपका गलत ना हो। अगर आप इसे तीन तीन जीरो बढ़ा देंगे, कहीं ना कहीं बहुत से छात्रों का कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए उस सावधानी से बरतिए और ऐसे करिए। अब यहाँ 21 आया, आप तीन जीरो लगा दिए, 21,000, तो कितना उनका अंतर आया था, 21,000 आया। वर्ष 2000 की तुलना में 2001 के जो भी वाहन बने उनका अंतर क्या था, 21,000 था। जैसा कि आप ऑप्शन डी में देख सकते हैं, 21,000 हमारा आया हुआ है। इस क्वेश्चन में सीधी सी एक सिंपल सी बात आपको ये समझानी थी कि आप यहाँ पे तीन तीन जीरो आगे बढ़ा के ना करिएगा, जहाँ जरूरत पड़े बहुत ज्यादा वहीं पर करिएगा, क्योंकि आपको इससे कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम आपका खराब हो जाएगा। चलिए बगैर समय खराब करते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों की कुल प्रस्तुतियों में क्या अंतर था। कह रहा है दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों की कुल प्रस्तुति में क्या अंतर था। मतलब कि जितना भी वर्ष दिया गया है, ये इन सब को हमको ऐड करना पड़ेगा, और फिर एक बार एक्स कंपनी का करना पड़ेगा, एक बार वाई कंपनी का करना पड़ेगा, फिर उसको घटाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, आपको इस सबको करना ही पड़ेगा भाई सॉल्व। इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगता है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम लोग किसको पकड़ लेते हैं, पहले हम लोग वाई को पकड़ लेते हैं, ऊपर वाई है तो वाई को पकड़ लेते हैं। वाई का हमारा क्या होगा, 139 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 128 प्लस 107 प्लस 148। देखिए, इन सब के आगे मैं तीन तीन जीरो लगा के लिख सकता था, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, हम उतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते, या फिर आप बगल में साइड में कॉलम बना करेंगे उतना आपके पास समय भी नहीं, इसलिए आप ऐसे लिख लीजिए सिंपल। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक, ये हमारा कितना 107 है। चलिए आइए इसको हम लोग जोड़ते हैं कि वाई का टोटल कितना हुआ।
नौ नौ आठ सत्रह, सत्रह सात चौबीस, चौबीस और आठ बत्तीस, चौबीस आठ बत्तीस का दो कैरी आया थ्री, थ्री टू फाइव, फाइव टू सेवन, सेवन और फोर इलेवन, इलेवन और थ्री फोर्टीन, कैरी आया वन, वन वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स और वन सेवन, कितना आया 742 आया। जैसा कि हम जानते हैं हमारा किसमें है हजारों में, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे 742 में तीन जीरो बढ़ा। जैसा कि वाई का हमारा 742,000 आया था, इसी तरीके आइए हम एक्स का आपको निकाल के दिखाते हैं। एक्स की वैल्यू मैंने पहले लाइन से लिख दी है ताकि कोई दिक्कत ना हो। इन सभी का जब हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा 716 आएगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने पहले ही टोटल कर रखा था। अब इसमें भी हम तीन जीरो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे तीन जीरो, जैसा कि हमने बढ़ा दिया। ये हो गया, अब दोनों वर्षों का कुल जितना भी था कंपनी एक्स और वाई निकल आया। अब इन्हीं दोनों को क्या बताना है, केवल अंतर बताना है, केवल क्या बताना है, अंतर बताना है। तो आइए इन दोनों को हम लोग माइनस करके देखते हैं, सेवन फोर टू माइनस सेवन वन सिक्स। यहाँ फिर हम लोग तीन जीरो नहीं लगाते क्योंकि कोई मतलब का नहीं है, हमारा जल्दी नहीं होगा। बारह में से छः गया छः, बचा तीन, तीन में से एक गया दो, ये हो गया जीरो, क्या बचा छब्बीस। अब आगे आप तीन जीरो बढ़ा दीजिए, आप आगे क्या कर दीजिए तीन जीरो बढ़ा दीजिए, 26,000 आंसर आपका आएगा। आपका आंसर कितना आएगा 26,000 आएगा, जैसा कि यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर सी पे आप देख सकते हैं 26,000 सही है। आप वहाँ जीरो जीरो बार बार ना लगाएंगे क्योंकि जीरो जीरो लगाने से कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी और कुछ छात्र कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देंगे। चलिए समय ना खराब करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बोल क्या रहा है, दी गई अवधि में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या क्या है। कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या क्या है, पूछ क्या रहा है कंपनी एक्स का। कंपनी एक्स का जितना भी टोटल उसने वाहन बनाया है उसी का औसत पूछ रहा है। देखिए जस्ट आपने पिछले क्वेश्चन में इन सभी एक्स वालों का क्या किया था, टोटल किया था। एक्स वालों का क्या किया था, टोटल किया था, कितना आया था 716,000 आया था। इस बात को आप बहुत ही ध्यान से रखिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप उसको भूल जाइए और फिर से आपको करना पड़े, वह समय आपका खराब हो जाएगा। जैसा अभी अभी जस्ट हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, कितना आया था 716,000 आया था, 716,000 टोटल आया था। अब औसत पूछ रहा है कितने सालों में हुआ है, छह सालों में हुआ है, तो बस इसको छह से भाग दे देंगे, जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा। जिस क्वेश्चन में हमारा एक मिनट लगना था उस क्वेश्चन में हमारा 30 सेकंड लगेगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छह कम छह बचेगा एक, ग्यारह, छह कम छह बचेगा पांच, यहाँ से आएगा छह छप्पन, छह नवाई चौवन, बचेगा दो, वहां से आएगा जीरो बीस, छह त्रिक अट्ठारह, दो थ्री थ्री। आंसर हमारा क्या आया, 119,333। इसका हमारा औसत क्या आया, 119,333। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बखूबी ऑप्शन नंबर ए पे हमारा दिया हुआ है 119,333। देख कितनी जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जबकि औसत निकालना रहता है तो पूरी संख्या को लिख के ऐड करके तब दी गई संख्याओं से उसको भाग देते हैं, जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया ही था, वही समय हमारा यहाँ पे काम आ गया, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि पेट एग्जाम अब ज्यादा दिन रह नहीं गया, मुश्किल से 10 से 12 दिन रह गए हैं। इस 10 से 12 दिन का आपको बहुत अच्छे से सदुपयोग करना है। जो सदुपयोग कैसे होगा, वह सदुपयोग होगा मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करके। और अगर आपने अभी तक कहीं से कोई मॉडल टेस्ट पेपर ना खरीदा हो तो एक बार हमारे चैनल पे जो 99 का मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहा है उसको लेके, और उसको लेके एक बार आप लगाएं, विश्वास मान लीजिए आपके 80 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इतने अच्छे अच्छे कंटेंट दिए गए हैं कि मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, जब आप सॉल्व करेंगे खुद समझ जाएंगे। मैं सारे इस समय उसी मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं ये तो सभी कुछ ईजी है, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। मैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा आने वाले 10 दिनों के अंदर में, तो एक बार आप ले लीजिए। उसका एक फ्री सेट हम लोगों ने पहले ही चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप एक बार पहले फ्री वाला लगाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ इसको लगाने से हमारा कुछ फायदा है, तो एक बार आप उस सीरीज को जरूर खरीद लें। मात्र 99 में आपको पिट की चाबी मिल जाएगी, इस बात को आप मान लीजिए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा। जैसा कि क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई की प्रस्तुतियों के बीच अधिकतम अंतर था। किस निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई की जो प्रस्तुति थी, जो ये ग्राफ बन रहा है ज्यादा कम वाला, उसमें सबसे ज्यादा अंतर कब था।
सेम ऐसा क्वेश्चन एक पिछले वाले मेरी वीडियो में आया था, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से केवल ग्राफ को देख के ही समझ जाइए, जितना पास ग्राफ रहेगा उतना न्यूनतम अंतर रहेगा और जितना दूर ग्राफ बनेगा उतना अधिकतम अंतर रहेगा। मतलब कि ये जो हमारा रेखा ग्राफ बन रहा है ये एक दूसरे से जितना भी दूर रहेगा उतना ज्यादा ये अधिकतम अंतर रहेगा, और ये जितना ज्यादा पास से गुजरेगा उतना ज्यादा ये हमारा क्या होगा, न्यूनतम अंतर होगा। तो आप यहाँ केवल ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि आपको सबसे अधिकतम दूरी यही वाला लग रहा है, अधिकतम दूरी यही वाला लग रहा है कि नहीं। सबके मुकाबले आप ध्यान से देखेंगे आपको यही अधिकतम लग रहा है, तो बस यही हमारा होगा। और ये कब था, वर्ष 2000 में। तो पूछा क्या था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में, वर्ष की बात किया था, तो वर्ष 2000 में अधिकतम अंतर था दोनों कंपनी एक्स और वाई में। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उसकी लैंग्वेज को समझिए कि हम उसको कितनी जल्दी से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में आपका समय बहुत कम रहेगा, इस बात को आप समझिए। यहाँ पे हमारा जैसे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। और ये यूपीएससी पेट एग्जाम है, कोई बहुत यूपीएससी लेवल का पेपर नहीं है कि आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे ही इजी पूछेंगे, बस आपको दिमाग और अपने तरीके को आजमाना कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। आप अगर ऐसे क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से पेट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल क्या रहा है, वर्ष 2000 में कंपनी वाई का उत्पादन लगभग उसी वर्ष में कंपनी एक्स के उत्पादन का कितना प्रतिशत था। मतलब पूछ रहा है यही कंपनी वाई का उसी वर्ष की कंपनी एक्स की तुलना में कितना प्रतिशत था, मतलब एक्स की तुलना में वाई वाला कितना प्रतिशत था। इसी बात को वो एकदम सिंपल तरीके से पूछ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं वर्ष 2000 में कंपनी वाई का उत्पादन हमारा कितना था, 128 था हजार। हजार आप अपने मन में माने चलिए, जब आंसर आएगा तो हम लगा देंगे। और ये एक्स का कितना 78 था, बस परसेंटेज निकालना है। 100 से हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। 100 से हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए पहले इसको हम लोग थोड़ा काट देते हैं, 2 की 12 2 3 6 1 18 2 9 18 इसको भी काट देते हैं, कितना आएगा, 50 आएगा। 128 × 50/39। अब देखिए 5 8 = 40 कैरी गया 4, 5 2 = 10 = 4 14 कैरी आया 1 5 = 5 = 16 10 यहाँ था, 0 लगा दिए, अपॉन 39 अपॉन कितना होगा 39। और जब आप इसको काटेंगे 39 * 39 बचेगा यहाँ पे कितना, 1 और 25 25 के बाद ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। आपका कितना आएगा, 164। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हम तो सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किए रहते हैं, बस वीडियो लंबी ना हो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। आप उसको बकायदे बगल में सॉल्व कर लीजिएगा, अगर आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको आंसर खुद ही रटे रहेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आएगा, 164% आएगा। जैसा कि हम ऑप्शन बी में देख सकते हैं 164% हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसा कि इस रेखा ग्राफ से रिलेटेड यही 5 क्वेश्चन थे जिसको मैंने आपको कराया, और आशा करता हूँ कि आपको 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि आप उन्हें कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके जो भी डाउट है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूपीएससी पेट की जो भी महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय टू समय मिलती रहे। धन्यवाद।